हेलो फ्रेंड्स, आज हम चावल के आटे का फरा बनाएंगे जो बहुत पौष्टिक नाश्ता होता है, चाहे ये सुबह का हो चाहे शाम का हो नाश्ता। तो ये देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया, लगभग 250 ग्राम चावल का आटा है। तो इसको हम अच्छे गर्म पानी से गूथेंगे, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, कम गर्म वाले पानी से गूथना हो तो फिर आप भगोने में पानी गर्म करिए और उसी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए। तो इसमें हम डालेंगे आटे में नमक, और ये मैं घी ली हूँ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक सॉफ्टनेस के लिए डाल रही हूँ। इसको पिघला ली हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इसको अच्छे से पहले मिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल खौलने जैसा है। अगर डर लगे तो इसी भगोने में जिसमें गर्म करें उसी में आटा ऐसे मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। हम इस चम्मच की मदद से मिलाएंगे, और बहुत ठंड है तो गूथने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ऐसा डो तैयार करेंगे, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, और बिल्कुल अच्छे से मल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अभी हम इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तब तक दाल तैयार करेंगे। तो ये दाल मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर दी थी, और दाल में बिल्कुल पानी निकाल लेंगे दाल से, उसके बाद इसको हम पीसेंगे। तो ये देख सकते हैं लहसुन ली हूँ, अच्छा खासा लहसुन। अगर आपके घर में लहसुन नहीं यूज़ होता हो तो स्किप कर सकते हैं। ये हींग है, अदरक है, मिर्च स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, जीरा है, ये 15 से 20 काली मिर्च है, और एक ये बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का छिलका उतार लेंगे, दाल में सारी चीज़ों को डालेंगे और साथ में पीस लेंगे, और दाल को हम दरबरा पीसेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दरबरा पीस लिया। नमक हम जब चलेंगे भरने, मतलब उसका जब हम तैयार करेंगे फरा, तब मिलाएंगे, नहीं तो ये दाल जैसे ना पिघलने सी लगेगी। तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हींग जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये बारीक कटी हरी धनिया। तो मैं कढ़ाई चाहे भगोने में पानी डाल रही हूँ। आपके पास जो बर्तन ऐसा हो जिसमें कि हम अपनी जो जाली छन्नी होगी जिसमें हमको स्टीम करना होगा वो अच्छे से आ सके। तो इसमें मैंने लगभग 250 ml पानी डाल दिया है फ्रेंड्स, और हमारी ये छन्नी में इस तरह से ये नीचे बना हुआ है। और अगर आपकी छन्नी में ना बना हुआ हो तो आप एक स्टैंड रख सकते हैं, जाली स्टैंड, और पानी को हम खोलने देंगे। इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इधर आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। तो आप छोटी बड़ी जैसी लोई लेना चाहते हैं, मतलब जितना बड़ा बनाना चाहते हो वैसा बनाइए। तो हम ये देख सकते हैं, छोटे नींबू के बराबर लोई ली हूँ, और इसमें हम चावल का आटा ही हल्का सा लपेटेंगे। अब हम इस बैटर में नमक मिला लेंगे स्वादानुसार। चावल के आटे में भी नमक है, इस ये ध्यान रखिएगा। इसी हथेली पर हम पतला कर लेंगे, आप बेलन की सहायता से भी कर सकते हैं। छोटा छोटा बनाना है तो इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से रखेंगे, बस इतना ही हमको बंद करना है। तो इसको हम टाको जैसी शेप देंगे। तो अब ये पानी खोलने जैसा हो रहा है, अब इसी में हम इसको रख देंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे, फ्लेम ना हाई रहेगी ना लो। तो ये हम सारा बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारा हो गया, अब इसको निकाल के हम दूसरा भी बैच रेडी कर लेंगे। तो ये ऐसे भी खाने में एकदम स्वादिष्ट होता है, तो अगर गर्मा गर्म खाएँ तो ऐसे खाएँ, वैसे मैं फ्राई करके भी दिखाऊँगी आपको। ये भी हो गया, निकाल लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए चाहे हम 2 टुकड़े कर लेंगे या 3 टुकड़े। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है फ्रेंड्स, और सरसों के तेल में ही फ्राई करें। तो तेल में मैं डालूँगी राई, जीरा, करी पत्ता, आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते, थोड़ा सा देगी मिर्च। अब ये फरे डालूँगी और इसको चलाऊंगी फ्रेंड। आप नमक मत डालिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। हल्का सा चिली फ्लेक्स ऐसे छिड़क देंगे, आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हरी धनिया डालूंगी और इसे हल्का सा क्रिस्प करेंगे लगातार चलाते हुए। ये फ्राई हो गया, फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा बहुत टेस्टी फरा बन के रेडी है।
ये फ्राई भी और ये वैसे स्टीम्ड भी। तो ये आप इसे हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चटनी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है फ्रेंड्स, तो आप उसे देख लीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।